दोस्तों मार्केट में जो हवा और हल्ला उठ रहा है ना कि पावर स्टार पवन सिंह जब से एक्टिव हुए हैं तब से बहुत सारे लोग पागलों की तरह हरकतें कर रहे हैं, उनमें से एक नाम सुपरस्टार खेसारीलाल यादव का भी आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं पहले बता दूं इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि मेरी खेसारी जी से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, ना उन्होंने मेरा संपत्ति ले लिया है, ना जायदाद ले लिया, ना जमीन लिखवा लिया है, कोई उनसे दिक्कत नहीं है। वो सही काम करते हैं तो मैं सपोर्ट करता हूँ, भले मुझे गाली मिलता है मैं उनकी चीज़ों को प्रमोट करता हूँ। फरिश्ता मूवी आई थी मैंने प्रमोट किया था, संघर्ष 2 को प्रमोट किया था, लेकिन जहाँ वो गलत है वहाँ गलत है। आज लाइव आए हुए थे, लाइव आके बहुत सारी बातें उन्होंने कही, उसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बहुत वेलकम मेरे चैनल में, ऑफिशियल चैनल में, आपका भाई शुभम सिंह। खेसारी लाल यादव लाइव आए हुए थे आज, मैंने देखा। पहले तो मुझे लाइव जब मैंने देखा तो मुझे हंसी भी आ रहा था और कुछ चीज़ें खराब भी लग रही थी। मतलब सबसे पहली चीज़ कि पागल बनने का और फिल्म में पागल बनने की एक्टिंग, उसका आपने एग्रीमेंट तो कराया नहीं है कि किसी भी फिल्म में सिर्फ खेसारी लाल यादव ही पागल बन सकते हैं। अगर कल को मैं भी किसी फिल्म में लीड करूं, मुझे पागल का रोल मिले, है कि नहीं, पागल का करेक्टर मिले, तो मैं ऑब्वियसली प्ले करूंगा यार, मैं वो करेक्टर करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। ऐसा थोड़ी है कि आपने पागल वाले एक्टिंग पे, पागल वाले रोल पे, करेक्टर पे एग्रीमेंट कर लिया है कि सिर्फ खेसारी लाल यादव ही पागल बनेंगे किसी फिल्म में, बाकी कोई एक्टर अगर पागल बन गया तो वो खेसारी लाल यादव का देखा देखी बन गया। मतलब खेसारी लाल यादव जो कर रहे हैं उसको देखकर अगला एक्टर फॉलो कर रहा है, और वो फॉलो भी कौन कर रहा है, तो भैया पवन सिंह, वो भी खेसारी जी को फॉलो कर रहा है। वाह, जैसे आप भैंस उस चलाते थे ना, तो ये वो रियलिटी शो में जज हुआ करते थे, जब आप भैंस चलाते थे या फिर जब आप कुछ नहीं थे तब पवन सिंह रियलिटी शो में जज हुआ करते थे, उनके सामने सिंगर्स गाते थे स्टेज पर, मंच पर, और वहां से पवन सिंह उन सिंगरों को सिलेक्ट करके आगे भेजते थे, सपोर्ट करते थे, आप समझिए। तो जहां आपका लेवल ही नहीं है वहां क्यों कंपेयर कर रहे हैं, कहां पवन सिंह है कहां आप है। कंपेयर वहां किया जाता है जहां पे आप बराबर हो, बराबरी पे कंपेयर किया जाता है। मुझे पता है आपको कड़वा लग रहा होगा, आप ये भी कहेंगे कि शुभम एक तरफा न्यूज बना रहा है, एक तरफा न्यूज नहीं बना रहे हैं, जो गलत है उसको दिखा रहे हैं। और जब तक कड़वा नहीं बोलेंगे आप लोग को समझ में नहीं आता है, प्यार से तो हर लोग समझाता है, हल्का सा कड़वापन करके करिए ना, देखिए ना कल से इंसान थोड़ा सा लिमिटेशन अपना दायरा समझने लगेगा। तो देखिए, आप कह रहे हैं कि बड़े भैया का पोस्टर मैंने देखा जिसमें उन्होंने पागल का लुक लिया है, अच्छा लगा, कम से कम देख के ही मुझसे फॉलो कर रहे हैं, ये करें, कुछ भी बोल देते हैं महाराज लाइव आके, आप कुछ भी बोल देते हैं, मैंने देखा है, बहुत बार देखा है, एक बार ही नहीं बहुत बार, आपका बार बार कहा, एक बार होता है गलती मान लेते हैं। तो मेरे बड़े भैया का पोस्टर देखा है मैं, उन्होंने पागल वाला एक्टिंग किया। अब आपको बताते हैं, आज से लगभग 8 साल पहले पवन सिंह का एक फिल्म आया था जिसमें शायद एक डॉगी का भी प्ले रोल था, उसमें एक कुत्ता भी था, तेरे जैसा यार कहाँ, ऐसा करके शायद टाइटल था, पता नहीं, उसमें गाना था उस फिल्म में, उतना मुझे याद नहीं है। उस फिल्म में भी पवन सिंह का ऐसा कुछ करेक्टर दिखाया गया था, तो पवन सिंह ऑलरेडी 8 साल पहले वो काम कर चुके हैं, तो फॉलो कौन कर रहा है खेसारी जी। तो ऐसा भी कह सकते हैं खेसारी लाल यादव 8 साल पहले उस पवन सिंह को देखकर आज वो फिल्म बनाया है फरिश्ता। चलिए पवन जी को छोड़िए, 7 साल पहले कल्लू भैया ने एक फिल्म किया था रब्बा इश्क ना होवे, उसमें भी उन्होंने पागल का एक्टिंग किया था, कैमियो रोल प्ले किया था, कैरेक्टर प्ले किया था। मैं स्क्रीन पर फोटो भी चला दूंगा कल्लू भैया का, मेरे पास वो फोटो है। आपसे पहले यश मिश्रा कर चुके हैं, तो इन सब का देख के आप कर रहे होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं ना, इन सब का देख के आप कर रहे होंगे, तो काहे ऐसा। मतलब अब आप वही जो आप नीति आपने जो स्टेज पे कहा था कि मैं खोदता हूं, तो गाना नहीं चल रहा है, चीजें नहीं चल रही हैं, तो आप खोदने पे उतर आए। अरे महाराज क्यों ऐसा करते हैं, कितना अच्छा सब शांत शांत चल रहा है, चलने दीजिए ना चुपचाप। बहुत सारे ऐसे सिंगर है जिनका गाना नहीं बज रहा है, तो सब तो लाइव नहीं आके ऐसे करते हैं, बकैती करते हैं। महाराज आप एक सुपर स्टार है, अपनी गरिमा को समझिए यार, आके थोड़ा गंभीर रहिए। पवन सिंह लाइव आते हैं, उनका लाइव देखिएगा, वो तो कुछ बात रखते हैं, बोलते हैं तो लगता है हाँ भाई कोई बोल रहा है, एक सुपर स्टार बोल रहा है। आप आए थे लाइव तो ऐसे दांत पीस रहे थे, इर, क्या है ये सब, है महाराज लाइव आए थे दांत पीस रहे थे, रिप पकड़ा धन धन गाना फेंकूंगा, धन धन गाना फेंकूंगा, क्या कर रहे थे महाराज, फेंकिए ना गाना, रिलीज करिए ना, कोई रोकने जा रहा है कि पवन सिंह आपको रोकने जा रहा है कि पवन सिंह लाइव आकर कुछ बोल दिए, वो तो कुछ बोले नहीं। आप महाराज पूरा दांत उत पीस रहे हैं, लग रहा है कि बावर सही में डिप्रेशन उप्रेशन में आ गए हैं क्या, सही में डिप्रेशन में आ गए हैं, लग तो ऐसा ही रहा, हरकतें तो वैसे ही कर रहे हैं आप, और कुछ ना कुछ एक्शन हुआ है तभी आपका रिएक्शन निकल रहा है ऐसा, जहां एक्शन होता है वहीं रिएक्शन होता है भैया, आप रिएक्ट नहीं करते ना तो लगता कि हाँ खेसारी जी डिप्रेशन में नहीं है, खेसारी जी को पवन सिंह के एक्टिव होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप तो रिएक्शन दे दिए। अब इससे साफ जाहिर हो गया कि आपको कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ है, प्रभाव तो पड़ा है भैया, आपने खुद इस बात को जाहिर कर दिया। अब आप लोग इस बात से सहमत है कि नहीं, आप लोग बताइएगा। भैया
कल से हम भी फिल्म करेंगे तो पागल वाला रोल नहीं कहेंगे, नहीं तो खेसारी जी कहीं लाइव हुए आके बोल देंगे कि अरे ये हमारे देखा देखिए कहीं, तो ठीक है। मैं लास्ट में यही कहूँगा कि कंपेयर उससे करिए जो आपके बराबरी का हो। पवन सिंह बहुत ऊपर की चीज़ है, ये आप भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं, आप सीख के उनसे आए इंडस्ट्री में, आप भी जानते हैं। अब आगे से ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, इस लाइन में एक और चीज़ कहा था, रुकिए 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 रुकिएगा, एक इस लाइन में एक और चीज़ खेसारी भैया ने कहा। पहली चीज़ तो कल पवन भैया गाड़ी में लाइव आए थे, आप भी गाड़ी में लाइव आ गए, तो देख के तो आप कर रहे हैं वैसे ही, आप जैसे पवन भैया गाड़ी में लोग बैठे थे वैसे आपने भी बैठा दिया। प्रियांशु भाई वो किस कर रहे थे कल लाइव में पवन भैया के, मैंने देखा था किस कर रहे थे, तो पवन भैया ने कहा था कि वाह चुमा तो दिले बने, कहा था ना ये चीज़। वही चीज़ संजय यादव जो उनके पीछे बैठे थे खेसारी लाल यादव के, उन्होंने भी चुमा दिया। तो पवन सिंह को जब पवन सिंह के लाइन में जब प्रियांशु सिंह ने चुमा दिया था, तो पवन सिंह ने क्या कहा था, जियो बेटा बेटा कहा था, बेटा कहा था ना, क्योंकि प्रियांशु उनको चाचू कहते हैं, चाचू कहते हैं, और हमेशा एक बड़ा भाई एक बाप के समान होता है, आपको भी पता है। लेकिन आज अगर संजय यादव ने किस किया, फ्लाइंग किस दिया, तो खेसारी जी क्या बोलते हैं, ये मेरा बेटा नहीं है, ये भाई है, दांत दिखाने लगते हैं। किसको टारगेट कर रहे हैं महाराज, हर बात में टारगेट कर देना है, क्यों? मैं बस यही आपसे पूछा, जवाब दे दीजिएगा इसका महाराज, आप जवाब दे दीजिएगा, आपको कोटि कोटि नमन है। आप ऐसे ऐसे बयानबाजी करते रहिए और आपको हम लोग टोकते रहेंगे।